रामवीर जी मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, क्योंकि केवल आधा घंटा बाकी है इसलिए सबके नाम लेना थोड़ा कठिन है, और उपस्थित भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी हुई यहां आते हुए, क्योंकि रामवीर विदुड़ी जी को भारतीय जनता पार्टी में लाने का काम मैंने किया था, और इसलिए यह चुनाव उन्होंने जितना महत्वपूर्ण उनके लिए है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए भी है। मैं उनका पुराना इतिहास जानता हूं, वो बहुत पुराने राजनीतिज्ञ है, और इस देश के राजनीति में पिछले 40 साल से उन्होंने अपनी एक प्रतिमा तैयार की है। उनका कार्य, उनका कर्तृत्व, उनका स्वभाव, सबको साथ में लेकर कार्य करने की उनकी अभिनव पद्धति निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास करेगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मुझे लगता है आज से एक 1.5 महीना पहले मैं और रामवीर जी इसी रोड से यहां से गए थे, और ये पूरे रोड का काम देखने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं काम के बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि आप उसको रोज देखते हैं, और यह आपको मालूम है कि केवल दिल्ली आज बदल रही है, और ये जो आपके यहां जितना अभी उन्होंने बातें बताई, ये जो कुछ काम हुआ है, इसका श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को है तो मैं आपको बहुत सच्चाई के साथ बताना चाहता हूं, इसका श्रेय रामवीर जी को है। मैं दिल्ली की जागरूक भी थोड़ी कम जानता हूं, पर जब उन्होंने मुझे ये कल्पना बताई, अधिकारियों से मैंने चर्चा की, उसके बाद में ये काम करते समय उत्तर प्रदेश की सरकार की जमीन आती थी, जमीन मिलने में दिक्कत आ रही थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री से मैंने बात की, उनको बुलाया, और मुझे खुशी है कि ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट बहुत तेजी से काम चल रहा है, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अक्टूबर के पहले इसका उद्घाटन हम निश्चित रूप से करेंगे। बहनों और भाइयों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में 10 साल में मुझे कम से कम 1,15,000 करोड़ रुपए के कार्य करने का अवसर मिला। उसमें 65,000 करोड़ के तो रोड ही है, सबसे पहले मैं जब मंत्री बना तो दिल्ली का पेरिफेरल रोड फंसा हुआ था, उत्तर प्रदेश की सरकार, हरियाणा की सरकार, दिल्ली की सरकार आधा पैसा देने वाली थी, उनने पैसा नहीं दिया, रोड का विवाद खड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस चलने लगी, तब इसका मॉनिटरिंग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हमारे एक पुराने आईएएस अधिकारी थे भूरेलाल जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी भी नियुक्त की थी। जब मैंने यह मामला देखा तब मैंने निर्णय किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार पैसा देना है तो दे, नहीं देना है तो मत दे, दिल्ली की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार और हरियाणा की सरकार, क्योंकि इनका संबंध इस रोड के साथ था, मैंने निर्णय किया 12,000 करोड़ रुपए का पेरिफेरल रोड अब पूरा हुआ है, जिसने दिल्ली के ट्रैफिक जाम में काफी बड़े प्रमाण में राहत दी है। उसके बाद में हमने दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं, इस साल दिसंबर के पहले ये हाईवे पूरा हो जाएगा,
और कल मैं मुंबई में था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जहां तक ये हाईवे जाता है उसी हाईवे में मेरा पब्लिक मीटिंग थी। आज सुबह मैं बिहार में था, पटना में था, और वहां की सभाओं को समाप्त करके यहां दिल्ली आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कल्पना नहीं कर सकते, दिल्ली से मुंबई केवल 12 घंटे में आपके गाड़ी में आप पहुंच जाएंगे, इस साल जनवरी दिसंबर समाप्त होने के बाद 1 जनवरी। दिल्ली से मेरठ जाने के लिए 4-4.5 घंटे लगते थे। मैंने ऐलान किया था कि दिल्ली से मेरठ केवल 1 घंटे में होगा, और दिल्ली के शुरुआत से हम 16 लेन का रोड बनाएंगे। मैं बहुत बार पुराने रोड पर गया था, पर अब 16 लेन का रोड बना है और आगे चलकर मेरठ तक जाता है। अब 1 घंटा नहीं तो दिल्ली से मेरठ केवल 50 मिनट में होता है। अब मेरठ के लोग जो दिल्ली में रहते थे वो दिल्ली के मकान बेचकर मेरठ में चले गए और रोज यहां नौकरी करने के लिए दिल्ली में आते हैं, इतनी सुविधा प्राप्त हुई। यही एक बड़ा रोड दिल्ली से डेहराडून हम बना रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये रोड भी दिसंबर के पहले पूरा हो जाएगा। मैं डेहराडून गया था, मुख्यमंत्री मेरे साथ थे उत्तराखंड के, और उन्होंने पब्लिक में भाषण करते हुए कहा कि डेहराडून बहुत इंपॉर्टेंट है, डेहराडून में बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं, और इसलिए दिल्ली से रोज 14 फ्लाइट्स डेहराडून में आती है। जब मेरा भाषण हुआ, शुरू हुआ, तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी चिंता मत करिए, इस साल दिसंबर के बाद दिल्ली से डेहराडून एक भी फ्लाइट नहीं आएगी, क्योंकि अभी हम जो रोड बना रहे हैं वो दिल्ली से डेहराडून 2 घंटे में और दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में होगा। अब एयरपोर्ट पे जाना 1 घंटा पहले, घर से निकलना 1.25 घंटा, फिर फ्लाइट में बैठ के डेहराडून जाना, वहां से घर जाना तो 4 घंटे लगते हैं, और अगर हमने रोड बनाया तो 2 घंटे में 2.25 घंटे में घर पहुंच जाएंगे, तो हवाई जहाज से कोई क्यों जाएगा। दिल्ली से जयपुर, अभी बीच में दिल्ली मुंबई हाईवे को एक नया रोड हम बना रहे हैं बीच में, दिल्ली से जयपुर 5 घंटे लगते थे, अब 2.25 घंटे 2 घंटे में हो जाएगा। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में हो जाएगा। दिल्ली से कटरा 6 घंटे में हो जाएगा। दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में हो जाएगा। अब इतना ही नहीं तो दिल्ली से हम चंडीगढ़ के बाद मनाली तक 5 टनल बनाकर हिमाचल प्रदेश का भी रोड बना रहे हैं, ताकि दिल्ली से मनाली भी 6 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। ये मैं आपको वचन देता हूं। दिल्ली में पानी की समस्या थी, मैं वाटर रिसोर्स का मंत्री था। मैं आपको बताना चाहता हूं, लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना उत्तराखंड में, रेणुका जी बांध योजना, किशोर बांध योजना, ये ताजेवाला का तो काम हो गया पूरा, ये तीनों योजनाओं में दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में झगड़ा था। 2-3 बार मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाकर बात की, पर समाधान नहीं निकल रहा था। बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया और हाथ जोड़कर उनको कहा कि मैंने दरवाजा बंद कर दिया है, जब तक आप आपका झगड़ा खत्म नहीं करोगे तब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। और ये तीनों योजनाएं मंजूरी हुई, तीनों का काम शुरू हुआ, इसमें से दिल्ली को पानी मिलने वाला है। 2070 तक दिल्ली को पानी की कमी नहीं रहेगी, पूरे दिल्ली की पानी की समस्या सुलझाई गई, और ये तीन योजनाओं पर 35,000 करोड़ रुपए हम खर्चा कर रहे हैं, 90% भारत सरकार के, यानी 65,000 और ये 35,000, यानी हो गए 1,00,000 करोड़।
ये मेरे डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं। और फिर दिल्ली में यमुना में जो गंदा पानी जाता है उसको शुद्ध करने के लिए हमने दिल्ली की सरकार को 6,000 करोड़ रुपए दिए और जायका से भी 7वां प्रोजेक्ट और 7वां जायका से मंजूर किया। और ये पूरे पैसे दिल्ली की सरकार को यमुना को शुद्ध करने के लिए दिए। नमामि गंगा का मैं मंत्री था, अविरल निर्मल गंगा हमारा सपना है और उसको पूरा करने के लिए हमको यमुना को भी शुद्ध करना आवश्यक था। पानीपत सोनीपत से लेकर मथुरा तक जहां तक यमुना है वो पूरे यमुना को शुद्ध करने का काम हमने हाथ में लिया था और दिल्ली की सरकार को ये काम दिया। मथुरा में तो हमने चमत्कार किया, मथुरा और अयोध्या हमारे श्रद्धा और आदर का स्थान है। मथुरा की 90 एमएलडी गंदा पानी, जो पानी बह रहा था जिससे यमुना गंदी हो रही थी, उसमें मैंने एक नई आइडिया तैयार की। हाइब्रिड एन्यूटी में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से एक प्रोजेक्ट को टेंडर निकाला, जो 90 एमएलडी पानी शुद्ध होगा वो मथुरा के बाजू में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी थी उनको देना। मैंने इंडियन ऑयल के चेयरमैन को बुलाया, उनको पूछा कि आपको हर साल यूपी गवर्नमेंट को कितना पैसा देते हो, बोले 25 करोड़ देते हैं। मैंने बोला मैं आपको शुद्ध जल दूंगा, आप केवल 20 करोड़ दीजिए। और वो हाइब्रिड एन्यूटी में केवल 40% सरकार ने दिए, 60% प्राइवेट इन्वेस्टर ने लाए। त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी है और देश का पहला हाइब्रिड एन्यूटी में मथुरा का सीवेज पानी को शुद्ध करके प्रोजेक्ट पूरा हो गया। मथुरा का पानी शुद्ध हुआ, यमुना का पानी शुद्ध हुआ और वो गंदा पानी जो शुद्ध हुआ वो इंडियन ऑयल की रिफाइनरी यूज कर रही है और साल के 20 करोड़ रुपए दे रहे हैं। इसके आधार पर प्रोजेक्ट को हमने देश में पहली बार आदर्श प्रोजेक्ट के रूप में पूरा किया। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि जो 1.25 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट थे यही बाकी नहीं है। हमारी सरकार ने अच्छे एयरपोर्ट बनाए, अभी जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है और वहां भी हम जाने का रोड बना रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने एयरपोर्ट जैसे बनाए वैसे दिल्ली में जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण यह सबसे बड़ी समस्या थी। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगी और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुझे कहा कि दिल्ली का ट्रैफिक जाम प्रदूषण कैसे दूर हो सकता, आप हमें इसके लिए गाइड करिए बताइए। तो मैंने ये पूरा प्लान उनको दिया। अभी पानीपत में इंडियन ऑयल ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, आप जो परली बोलते हैं राइस स्ट्रॉ, पानीपत में इस परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल तैयार हो रहा है और वहां का किसान वो परली देकर अब 150 टन डाम्बर बिटुमिन तैयार हो रहा है और 76,000 टन हवाई ईंधन, जिसके ऊपर हवाई जहाज चलेंगे वो ईंधन बन रहा है। अभी परली जलेगी नहीं, उसका सॉल्यूशन मैंने निकाला और 300 प्रोजेक्ट पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश में शुरू हो रहे हैं कि परली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार हो रहा है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, जब मैंने इलेक्ट्रिक कार की बात की, इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात की, इलेक्ट्रिक बस की बात की तो लोग मुझे हंसते थे। ये मीडिया वालों ने मुझे सवाल पूछा था कि अगर इलेक्ट्रिक की गाड़ी बंद पड़ी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या। अब देश में इतनी इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बसेस आई, कोई बंद पड़ी नहीं, कोई बंद नहीं पड़ी, उल्टा दिल्ली का प्रदूषण कम हुआ। और 5 साल के अंदर, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मेरे अंदर ये विषय इसलिए आपको बता रहा हूं कि 5 साल के बाद दिल्ली में डीजल पे चलने वाली बस दिखेगी नहीं, पूरे इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बस होगी।
और हम ये कोशिश करेंगे कि टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम हो। अभी दिल्ली से जयपुर मैं एक इलेक्ट्रिक की केबल पर 3 बसें जोड़कर एक बस ट्रॉली बस शुरू कर रहा हूं, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो रहा है और वो बस ऐसी है कि उसमें बिजनेस क्लास है, इकोनॉमिक क्लास है, सामने लैपटॉप है, एयर कंडीशन बस है, नाश्ता और चाय पानी देने वाली एयर होस्टेस जैसी बस की होस्टेस भी होगी और 2.25 घंटे में दिल्ली से जयपुर की सफर पूरी होगी और टिकट रेट 30% डीजल बस की तुलना में कम होगा। इतना ही नहीं तो मैंने प्रोजेक्ट तैयार किया था कि यमुना से पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज उतरेगा, हम आगरा जाएंगे, ताजमहल के पीछे उतरेंगे, ताजमहल देखेंगे और 15 मिनट में हवाई जहाज में बैठकर यमुना वापस आ जाएंगे। आपको लगा होगा कि नितिन गडकरी सपने बेच रहा है, मैं सपने नहीं बेच रहा हूं, दिखाए हुए सपने लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं पर जब सपने नहीं पूरे होते तो उस नेता की ऐसी धुलाई होती है कि जनता फिर उसको कभी सपोर्ट नहीं करती। मैं जो कहूंगा वो करूंगा, जो करूंगा वही कहूंगा और मीडिया वालों को कहूंगा कि मेरे भाषण को रिकॉर्ड कर लो, अगर मैं नहीं हुआ तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना, ये कभी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। मैंने खुद हवाई जहाज लाया पानी पे उतरने वाला, मैं मुंबई में समुद्र में उड़ा, हवाई जहाज पानी पे उतरा, फिर मेरा हवाई जहाज देखने के बाद मोदी जी ने मुझे फोन किया कि अहमदाबाद में जो हमारा रिवर फ्रंट है वहां मुझे भी पानी पे उतरना है और जाना है। मैंने उनकी व्यवस्था कर दी, मोदी जी की सिक्योरिटी मना कर रही थी, मैंने मोदी जी को कहा ये सिक्योरिटी वाले बोल रहे हैं, बोले चिंता मत करो तुम कब से कानून की बात करने लगे। मोदी जी भी उस हवाई जहाज में बैठे और पानी पर उतरे। अभी भारत सरकार ने योजना की है कि पानी पे उतरने वाले और एयर स्ट्रिप पे उतरने वाले एम्बिशियस एमपीबीएस सी प्लेन वॉटर प्लेन 100 प्लेन हमारे देश में आ रहे हैं और यहां से डायरेक्ट निकलेंगे तो प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पे उतरेंगे, वहां से उड़ेंगे तो गंगा में वाराणसी में उतरेंगे, वहां से उड़ेंगे तो ब्रह्मपुत्रा में गुवाहाटी में जाके उतरेंगे। अब केवल एयर स्ट्रिप पर उतरने वाले हवाई जहाज नहीं तो पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज भी इस देश में आएंगे और उसका टिकट रेट सस्ता होगा। 18 सीटर का हवाई जहाज है पानी पे उतरने वाला, वो कंपनी को मैंने लाया, रामवीर जी देखो कोई आपके यहां कोई है तो उसको भी दिला देता हूं और लाइसेंस भी दिला देता हूं ताकि यहां भी पानी से उड़ के ऊपर चले जाए। केवल इतना ही हमने नहीं किया तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि देश में ऐसे 30 रोड बनाए जहां हम रोड पर हवाई जहाज से उतर सकते हैं। राजनाथ सिंह जी, मैं, रावत साहब, वीके सिंह जी एक बड़े जहाज को, सबसे बड़े एयरफोर्स के जहाज को जिसमें ट्रक जाती है, उस जहाज को लेकर राजस्थान की सीमा पर हम NHAI के रोड पर उतरे और वो प्रयोग सिद्ध करके लोगों को दिखाए। बहनों और भाइयों, ऐसे काम बहुत बताने लायक है पर ये साथ जब काम हुए हैं ये किसके कारण हुए? ये मेरे कारण हुए? ये मोदी जी के कारण हुए? नहीं, ये सब काम अगर हुए होंगे इसका श्रेय अगर किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई जनता को है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को चुनकर नहीं देते और अगर भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं? और मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो मैं देश का ट्रांसपोर्ट मंत्री कैसे बनता? और इसलिए आपके कारण हुआ है।
और अभी तक आपने जो देखा है वो तो केवल ट्रेलर है, ट्रेलर। अब रामवीर जी को चुनाइए, अभी ट्रेलर है, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। उनके पास एक गारंटी मोदी की है और दूसरी गारंटी मेरी है। आपको मालूम है कि महाभारत में द्रौपदी के थाली की चर्चा होती थी, जितने भी लोग आते थे खाना खाते थे, मेरे पास द्रौपदी जैसी थाली है। मैं 10 साल में 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं और मैं ऐसा एक मंत्री हूं कि जो खुले रूप से कहता हूं कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना, एक टनल बन गई है, एयरपोर्ट के एयर स्ट्रिप से नीचे जाएगी, 2 महीने में उसका उद्घाटन होने वाला है और उसी टनल को वसंत विहार से जोड़कर आपको भी सुविधा प्राप्त होगी, यहां तक इसकी भी व्यवस्था हम करने वाले हैं। आप चिंता मत करिए, रामवीर जी जो जो कहेंगे, जितना जितना पैसा लगेगा वो करने की गारंटी मेरी है। केवल आप एक काम करिए, एक काम करिए कि रामवीर जी को जिताइए, कमल के फूल की बटन दबाइए और भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, बाकी जिम्मेदारी मेरी है, हमारी सबकी है। बहनों और भाइयों, ये देश बदल रहा है, दिल्ली बदल रही है। हम राजनीति में केवल एमएलए और सांसद बनने के लिए नहीं आए, हम देश को बदलना चाहते हैं, देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। गरीबी दूर हो सकती है, बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है, अगर वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ठीक होगा तो उद्योग व्यापार बढ़ेगा, उद्योग व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार निर्माण होगा और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। मैं किसान हूं, 3 चीनी मिले चलाता हूं। अब देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं है, केवल ऊर्जादाता नहीं है, केवल डांबरदाता नहीं है, तो हमारे देश का किसान अब हवाई ईंधन दाता बनने जा रहा है। 2004 में ये विजय जॉली बैठे, मैं तब भारतीय जनता पार्टी में इथेनॉल इथेनॉल की बात करता था तो मुझे पूछते थे इथेनॉल क्या है, अब कोई नहीं पूछता। 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता है पेट्रोल डीजल का, पैसा 16 लाख करोड़ देश के बाहर जाते हैं। हमारे देश में मक्के से इथेनॉल बन रहा है, चावल से बन रहा है, गेहूं से बन रहा है, बांबू से बन रहा है, पराली से बन रहा है। इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई कि आने वाले समय में भी बजाज के एमडी मेरे पास आए थे, राजीव बजाज, वो कह रहे थे कि सीएनजी पर भी मैंने स्कूटर तैयार किया, आपके हाथ से लॉन्च करना है। बोला मैं तो चुनाव में हूं, बोले आपके हाथ से लॉन्च करता हूं तो एकदम वेटिंग लिस्ट बढ़ जाती है, बहुत धंधा होता है। अब देखिए मेरे पास टोयोटो की गाड़ी है, वो विनोवा गाड़ी है, रामवीर जी वो गाड़ी में बैठे, वो गाड़ी 100% किसानों ने बनावे, इथेनॉल पे चलती है, 60% बिजली तैयार करती है और पेट्रोल की तुलना में अगर एवरेज निकाला जाएगा तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव आता है। अभी हमने इलेक्ट्रिक की मोटरसाइकिल बनाई, ऑटो रिक्शा बनाई, स्कूटर बनाई है, अभी इथेनॉल की स्कूटर आ रही है, फ्लेक्स इंजन, पेट्रोल भी डालो इथेनॉल भी डालो, ऑटो रिक्शा आ रही है हमारे देश में, नागपुर में तो बसेस भी है। और इतना ही नहीं, तो तुम्हारे यहां मैंने एक गंदा नाला देखा, बहुत बार आता हूं मैं, बोलता हूं रामवीर जी को इसका कुछ करो,
मैं इतना अच्छा रोड बना रहा हूं, यह नाला कब अच्छा होगा, और आप चिंता मत करिए। अब हमने टेक्नोलॉजी लाई है, ये गंदे पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन पर ट्रक, बसेस, कार, इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री चलेगी। और जिसको विश्वास नहीं होता मेरे घर पर आइए, वो भी गाड़ी में रामवीर जी बैठे हैं, जो पानी से हाइड्रोजन निकलता है उस गाड़ी मर्सिडीज से भी अच्छी है। वो गाड़ी का नाम है मिराई। मिराई का अर्थ होता है भविष्य, जापानी वर्ड है मिराई। ये देश बदल रहा है, ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, पूरा देश बदल रहा है, गांव बदल रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। ये जो 50 लाख करोड़ के मैंने हमने काम किए, ये क्या फुकट में हुए? लाखों इंजीनियर्स को काम नहीं मिला, कॉन्ट्रैक्टर को काम नहीं मिला। जमीन तो अब बताना चाहता हूं कि आज ऐसी स्थिति है कि मैं हवाई जहाज से मुंबई जा रहा था तो एक जाट उद्योगपति आए और आकर मेरे एकदम पैर छुए। मेरे ध्यान है, मेरे घड़ी में 5 मिनट बाकी है। वो मेरे पास आया, उन्होंने मेरे पैर छुए। तो मैंने भाई पैर क्यों छू रहे हो? बोले साहब, मेरा दिवाला पिट चुका था, एनसीएलटी में जाने की नौबत आई थी, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे आपने बनाया, मेरे जगह पर एक से एक फ्लैट बन रहे हैं, मैं 10,000 करोड़ का मालिक बना हूं, आपके कारण मेरी जिंदगी बदल गई। अब मुझे बताओ, जो 5 लाख फ्लैट बन रहे वो फुकट में बन रहे हैं? रंग लगाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, ईंटों को जोड़ने के लिए कारागिरों को काम नहीं मिला? मिला। अब देश की इकोनॉमी बदल रही है, दुनिया की एक आर्थिक ताकत हम बन रहे हैं, हमें विश्व गुरु बनना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना है। और इसीलिए हम इस देश के तस्वीर को और भविष्य को बदलना चाहते हैं, और यही हमारा मिशन है, यही हमारा विचार है। और इसी बात को लेकर केवल राज बदलना नहीं है तो समाज बदलना है, यही हमारा नारा है। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी को दूर करेंगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं ये बात का विश्वास आपको देने के लिए आया हूं कि रामवीर जी के रूप में एक बहुत कर्तृत्ववान, आपके लिए संघर्ष करने वाला, आपके कामों के लिए किसी भी हालत में वो काम को पूरा करने की ताकत जिस नेता में, उसका नाम रामवीर विदु है। अगर ये एमएलए नहीं होते तो मैं तुम्हारे बस्ती में घुमाऊ, ये झोपड़पट्टी से भी विचित्र स्थिति, निपित स्थिति थी। आज नया रोड बन रहा है, अब नए फ्लैट सिस्टम बनेगी, नए घर बनेंगे, प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेगी, लोग धनवान होंगे और प्लान डेवलपमेंट होगी और ये पूरा एरिया बदल जाएगा। ये क्यों बदला है? क्योंकि रोड बना इसलिए बदला है, ये रोड हो रहा है इसलिए ये बदल रहा है। वो कौन सा स्टेशन है आगे जाके, जो स्टेशन रंगपुरी, क्या नाम है? मैं गया था, ये पूरा गंदा नाला वो स्टेशन, आप देखो ऐसा चकाचक बनेगा कि आपको लगेगा कि अब हिंदुस्तान में है कि अफ्रीका में है। और ये सब काम रामवीर जी के कारण हुए हैं। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, फिर से एक बार आप हमारी सरकार को लाइए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। और मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो रामवीर जी को लाखों वोटों से जिताइए। और आपने उनको लाखों वोटों से जिताना चाहिए, इसी बात को आपको हाथ जोड़ने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। कमल के फूल की बटन दबाइए, उनको विजयी बनाइए और संसद में भेजिए। आप केवल इतना काम करिए, बाकी गारंटी मेरी और मोदी जी की है, बाकी पूरा काम हम कर देंगे। उनको जिताने की अपील मैं करता हूं। मेरी बात को समाप्त करता हूं, मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।